गॉड्स कौन हैं? क्या काम है इनका? कैसे बन जाते हैं? इनकी जर्नी में अगला स्टेप क्या रहता है? रिलीजन जिसमें आपका जन्म हुआ है वो रिलीजन आपने ही चुना है फ्रेंड्स, क्योंकि हर जन्म एक एक्सपीरियंस है, सोल एक्सपीरियंस चाहती है। कभी कभी विश्वास नहीं होता फ्रेंड्स कि हम इतने पावरफुल हैं, हम तो गॉड्स की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हमने गॉड्स को क्रिएट किया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवर्तन सीरीज में। इस श्रृंखला में फ्रेंड्स हम पिछले कई एपिसोड से थिंकिंग एंड डेस्टिनी को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हैरल्ड पर्सिवल जी की एक बहुत बहुत उत्तम लेवल का ज्ञान देने वाली बुक है। स्पिरिचुअल ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रेंड्स, उसका कोई एंड नहीं है। इनफैक्ट किसी भी नॉलेज का कोई एंड नहीं है। तो आज हम फ्रेंड्स इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है गॉड्स एंड देयर रिलीजन। फ्रेंड्स काफ़ी पॉइंट्स पर पर्सिवल सर गॉड्स के बारे में काफ़ी डिस्कस करते हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो अच्छे खासे डिटेल में जाते हैं गॉड्स पर। तो फ्रेंड्स क्या कारण होगा कि इतना उन्होंने गॉड्स पर बात करी, गॉड्स और उनके रिलीजन पर? हमें पर्सिवल सर हमारी अपनी क्रिएटरशिप, क्रिएटरहुड के बारे में बताना चाहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि हम अपने आप को लाचार ना समझें, विक्टिम ना समझें, किसी से कमज़ोर ना समझें। फ्रेंड्स गॉड्स जो हम जो गॉड्स को कई कई रिलीजन्स में, सभी रिलीजन्स में आप देखेंगे किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई गॉड वर्शिप होता है। तो ये गॉड्स कौन हैं? क्या काम है इनका? कैसे बन जाते हैं? इनकी जर्नी में अगला स्टेप क्या रहता है? आइए आज इन विषयों पर चर्चा करते हैं, जो कि हमें पर्सिवल सर ने बहुत खूबसूरती से इन टॉपिक्स पर प्रकाश डाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वो हमें कहते हैं कि जो गॉड्स हैं वो तुम्ही ने क्रिएट किए हैं। कई 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 हजारों हजारों सालों तक हमने अपनी थॉट को एक गॉड के प्रति डायरेक्ट किया, बाहर अपने से बाहर किसी गॉड के प्रति डायरेक्ट किया, और हमारी ही उस थॉट की एनर्जी से, हमारी इंटेलिजेंस से, इंटेलिजेंट मैटर है फ्रेंड्स हमारे अंदर, तो वो इंटेलिजेंट मैटर से ही वो गॉड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हमको गॉड्स की बेसिकली वो क्या काम, क्या रोल प्ले करते हैं, क्या हमें चाहिए, क्यों इंसान गॉड्स पर डिपेंड करता है? फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट टाइम आता है और हमको कुछ समझ नहीं आता, तो उस मोमेंट पे हम सोचते हैं कि ठीक है, उस भगवान के हाथ है सब कुछ। तो गॉड का यहाँ पर क्या रोल है फ्रेंड्स? गॉड आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। ना सिर्फ ये, जो हम गॉड को, जो हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो अगर हम उसकी सर्वश्रेष्ठ बातों को फॉलो करें, देखिए हर रिलीजन में, हर धर्म में अच्छी बातें होती हैं कुछ कुछ, और अगर हम उन अच्छी बातों को फॉलो करें तो हर रिलीजन हमें उसी एंड तक लेकर जाता है। फ्रेंड्स धर्म माने मार्ग, आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हैं आप एक मार्ग को पकड़ रहे हैं हायर स्टेट पर जाने के लिए। तो आप कोई भी धर्म ले लीजिए, जब तक आप उसमें उसकी करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं पड़ जाते, तो हर धर्म आपको एक वर्चुअस इंसान बनने में आपकी मदद करता है। आपको झूठ बोलना, आप जब ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं, अभी स्पिरिचुअल की बात नहीं करें फ्रेंड्स, धार्मिक की बात करें, ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं तो आप झूठ नहीं बोलना चाहते, आप किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, अपने शब्दों को ध्यान से इस्तेमाल करना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये बहुत सुंदर वर्च्यूज़ हैं। आप किसी भी रिलीजन को दिल से फॉलो करते हैं तो आपके अंदर ये भाव आने शुरू होते हैं। रिलीजन जिसमें आपका जन्म हुआ है वो रिलीजन आपने ही चुना है फ्रेंड्स, क्योंकि हर जन्म एक एक्सपीरियंस है, सोल एक्सपीरियंस चाहती है आपका। चाहे आप एक
बूढ़े, आप एक भिखारी हो चाहे आप एक राजा हो, सोल को हर तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। सोल को एज एन एशियन बॉडी भी एक्सपीरियंस चाहिए, एज एन अमेरिकन भी, हर तरह के एक्सपीरियंस चाहिए सोल को। वाइट बॉडी, ब्लैक बॉडी, मेल बॉडी, फीमेल बॉडी, रिच पुअर, हर तरह का एक्सपीरियंस चाहती है हमारी सोल। और इसी तरह से वो हर धर्म का भी एक्सपीरियंस चाहती है। तो किसी जन्म में आप हिंदू धर्म में पैदा होंगे, किसी जन्म में आप क्रिश्चियन होंगे, किसी जन्म में आप इस्लाम में आएंगे। इस तरह से हम अनेक अनेक लाइफ टाइम्स में अलग अलग धर्मों में अलग अलग जगहों पर हमारा जन्म होता है। और क्या पर्पस है फ्रेंड्स? पर्पस वही है जो सोल चाहती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर करना। तो आप हर रिलीजन के बेस्ट पार्ट्स को आप ले पाएं, समझ पाएं उस रिलीजन को, इसलिए आपका जन्म उस रिलीजन में होता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, ऐसा भी कहा जाता है कि आप किसी रिलीजन से बहुत, किसी धर्म से आप बहुत नफरत करते हैं, तो ये पक्का मान लीजिए कि आपका अगला जन्म हो सकता है उसी रिलीजन में ही हो। क्यों? क्योंकि आपने उस रिलीजन को जी कर नहीं देखा। तो आप उसको जी कर देखेंगे तो आपको एक डीप लेवल का एक्सपीरियंस आएगा। फ्रेंड्स, पढ़ते तो हम कई रिलीजन्स के बारे में, आप अपनी किताबें खोलेंगे, आप कई रिलीजन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना और एक्सपीरियंस करना दो अलग बातें हैं। और इसलिए हमारी सोल ये डिसाइड करती है मास्टर्स के साथ कि हम अब इस रिलीजन में, अच्छा ठीक है, मुझे इस रिलीजन से बहुत तकलीफ थी, मुझे लोगों से बहुत नफरत थी जो इस रिलीजन के थे, तो अगला जन्म आप उस, मैं उस रिलीजन में जाकर देखता हूँ कि क्या कैसा रहता है इस रिलीजन में जीवन जीना। इस तरह से सोल कई लाइफ टाइम्स में अपनी प्लानिंग करती है, अलग अलग रिलीजन्स में आती है। तो रिलीजन का आपकी लाइफ में रोल क्या है? रिलीजन का आपकी लाइफ में रोल है कि आप धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य के मार्ग पर चलें। आप छोटे छोटे बातों में ना फंसकर, आपको जो धर्म है वो थोड़ा हायर विजन पर लेकर जाता है। बहुत हाई विजन नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी आप जिस स्टेट पर पहले थे उससे हायर विजन में आप चले जाते हैं, आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं। देखिए, परसिवल सर जो हमें, जो सिस्टम उन्होंने हमें इस बुक में बताया है, वो उसमें जिस टर्म्स में सोचते हैं वो ये, क्या सिस्टम है ये फ्रेंड्स, कि हम पहले नेचर यूनिट्स हैं, उसके बाद हम एक न्यूट्रल यूनिट हो जाते हैं, जिसको हमने कई पिछले एपिसोड्स में देखा, जिसको बोलते हैं आइया। और इसके बाद अब हम इंटेलिजेंट साइड पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो आप पहले ट्रायून सेल्फ बनते हैं, ट्रायून सेल्फ के बाद आप इंटेलिजेंस बनते हैं, फिर ग्रेट ट्रायून सेल्फ है, फिर इंटेलिजेंस है, फिर ग्रेट इंटेलिजेंस है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो परसिवल सर ने जो हमें सिस्टम एक्सप्लेन किया है इस बुक में, वो बहुत यूनिक है कि आपको समझ आता है कि हम कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, एक एक यूनिट आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा। तो ये जो सिस्टम है, ये बहुत सुंदर सिस्टम है, जिसमें कि आपको ये समझ आता है कि आप स्टैग्नेट नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आप नए नए रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सिस्टम है फ्रेंड्स। अब हम जो ये जो धर्म है, हमने देखा कि ये लोगों को तसल्ली देता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, लेकिन फ्रेंड्स, इसको अलाउ कौन करता है? कौन ये धर्म बन कैसे जाते हैं? अब आइए उस बात पे चर्चा करते हैं, क्योंकि कई धर्म हम जानते हैं वो पहले नहीं थे और फिर एकदम से हो गए। जैसे अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखें तो कई नए धर्म आए हैं, जैसे कि कोई लोग बहाई, अपने आप को बहाईज बोलते हैं, और कई ग्रीस में भी कई धर्म आए। इस तरह से हिंदूज में भी मतलब कई गॉड्स आए। तो ये जो धर्म आते हैं, ये आते कैसे हैं फ्रेंड्स? इसके लिए परसिवल सर हमें बताते हैं कि जो क्रिएट कर रहे हैं, आप क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी विश्वास नहीं होता फ्रेंड्स कि हम इतने पावरफुल हैं। हम तो गॉड्स की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हमने गॉड्स को क्रिएट किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, परसिवल सर इस बात को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस करते हैं कि ये जो गॉड्स हैं, ये आप ही ने बनाए हैं, आप ही की सोच से। फ्रेंड्स, पावर ऑफ थॉट, देखिए इस बुक का टाइटल ही है थिंकिंग एंड डेस्टिनी। तो आपकी थिंकिंग इतनी पावरफुल है, सब लोग मिलकर, मान लीजिए किसी समय पर कोई सोच उनके मन में आती है कि कोई शक्ति उनकी मदद करे, और या किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए कोई लड़ाई में कोई गॉड उनकी मदद करे,
तो फ्रेंड्स वो गॉड आपकी थॉट से, क्योंकि आपके पास लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है और इस लाइट ऑफ इंटेलिजेंस ये पूरा नेचर और सब गॉड्स आपसे ही लेते हैं। तो ये जो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है ये इससे ये गॉड्स को एक शक्ति मिलती है, एक पावर मिलती है, और जितने लोग उनको फॉलो करते हैं वो धर्म उतना ज़्यादा, वो गॉड्स और वो धर्म उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। तो ये जो गॉड्स हैं ये आप सबने, हमने मिलकर सोचा कि हाँ ये गॉड होना चाहिए और इस थॉट को बोला, आर्टिकुलेट किया, और इससे क्या हुआ कि अब कौन, ये गॉड कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा। तो फ्रेंड्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं पर्सिवल सर कि ये गॉड्स को अलाउ करते हैं इंटेलिजेंसेस, ट्रायून सेल्फ, ग्रेट ट्रायून सेल्फ के ऊपर इंटेलिजेंसेस हैं फ्रेंड्स। तो ये जो इंटेलिजेंसेस हैं ये अलाउ करती हैं, हमारी थॉट को रिस्पॉन्ड कर रही हैं ग्रेट इंटेलिजेंसेस भी, कि हाँ ये सब लोग इस समय इनको ये गॉड चाहिए, ये गॉड इनको दे, इन ये गॉड अप्रूव करते हैं वो कि हाँ ठीक है ये गॉड चाहिए, ये गॉड अप्रूव कर देते हैं। और फिर उस गॉड को नाम भी दिया जाता है, नाम दिया हायर इंटेलिजेंसेस के द्वारा दिया जाता है, लेकिन किसी एक इंसान के मुंह से वो नाम निकलता है, निकलवाया एक इंसान के मुंह से जाता है और सब लोग अग्री करते हैं कि हाँ ये वो गॉड हैं, ये वो गॉड हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे गॉड्स क्रिएट होते हैं। और किस चीज़ के लिए लोग गॉड्स को क्रिएशन के लिए मांग सकते हैं, कई तरह के गॉड्स को लोग क्रिएट करते हैं अपनी इसी प्रोसेस से, पैसे के लिए गॉड्स, होम के लिए गॉड्स, एरिया, पूरे एरिया के लिए गॉड, पूरी फैमिली के लिए गॉड्स, फैशन के लिए गॉड्स। आपको हैरानी होगी सुनकर कि फैशन के भी गॉड्स होते हैं। इस तरह से कई चीज़ों के, सेक्सुअलिटी के गॉड्स, कई चीज़ों के गॉड्स होते हैं जो कि हमने ही क्रिएट किए हैं, हमारी ही थॉट्स से कि गॉड्स क्रिएट हुए हैं। दिखते कैसे हैं फ्रेंड्स ये गॉड्स, होते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं और कैसे खुश होते हैं? तो इसके लिए पर्सिवल सर बताते हैं कि जो गॉड्स हैं उनकी फ्लैश वाली बॉडीज़ नहीं होती, जैसे हमारी आपकी हैं फ्लैश वाली बॉडीज़, वैसे इनकी फ्लैश वाली बॉडीज़ नहीं होती, लेकिन उनकी भी बॉडी होती है, उनकी भी अपनी बॉडी होती है जो फाइनर एलिमेंटल मैटर से बनी होती है। एक तो वो बॉडी हो गई, एक तो जो हम इन गॉड्स को खाली गॉड्स ना कहें तो बेटर रहेगा, क्योंकि इनमें इंटेलिजेंट मैटर भी है। तो इनमें एलिमेंटल मैटर भी है और इनमें इंटेलिजेंट मैटर भी है जो कि हमारी इंटेलिजेंस से बना है। तो ये गॉड्स की जो बॉडीज़ हैं फ्रेंड्स, ये कभी एज नहीं होती, कभी इन बॉडीज़ में कोई दुख तकलीफ नहीं होती, बीमार कभी नहीं होती ये बॉडीज़। तो ना बुढ़ापा ना बीमारी, स्वस्थ शरीर हमेशा हर समय इन गॉड्स का रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको फिजिकल तकलीफ नहीं हुई तो इनको कोई तरह की तकलीफ नहीं होती फ्रेंड्स। इनको साइकिक अफ्लिक्शंस होती हैं, साइकिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि गुस्सा आना, ग्रीड, लस्ट, ये सब एफ्लिक्शंस इन गॉड्स को भी होती हैं। मतलब इनको भी सुख दुख होता है इस काउंट में। और बेसिकली ये इनकी ये, और इनके पास ना फ्रेंड्स इनके पास थिंकर भी होता है, क्योंकि हमारी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस इनके पास आई हुई है, तो एक थिंकर भी रहता है इन, जो ये अपने बारे ये रीज़न कर सकते हैं, सोच सकते हैं। कौन है ये गॉड्स? तो ये गॉड्स हैं, जब एग्जाम्पल देते हैं पर्सिवल सर, जैसे रोमन गॉड्स हैं, होरस हो गए और यू नो जिहोवा हो गए, और यहाँ तक कि वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट का भी नाम वो इसमें इंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को भी लोगों ने बना दिया, एक नेचर गॉड बना दिया जीसस क्राइस्ट को भी, उनको ब्रेड और वाइन ऑफर करके और चैंट करके, सरमन्स चैंट करके उनको भी एक नेचर गॉड बना दिया। तो जीसस क्राइस्ट को भी इस गॉड्स में इंक्लूड करते हैं, हमारे हमारे ब्रह्मा विष्णु को भी ये इन्हीं गॉड्स में इंक्लूड करते हैं जो कि हमारी ही थॉट पावर से क्रिएट हुए हैं। ऐसे वो बहुत सारे गॉड्स के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये गॉड्स, अब वो कहते हैं कि क्या चाहते हैं आपसे, क्या चाहते हैं, नेचर कैसा होता है इनका। ह्यूमन बींग्स से गॉड्स वर्शिप चाहते हैं, पूजा अर्चना चाहते हैं कि, और वो ये भी कहते हैं कि गॉड्स थोड़े जेलस होते हैं, एक दूसरे से भी जेलस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एक ही चीज़ को चाहते हैं, और वो चीज़ क्या है फ्रेंड्स? वो चीज़ हम हैं, हमारी अटेंशन है, हमारी पूजा अर्चना है कि हम फुली डिवोटेड हों उस गॉड को, हम उसके बारे में और किसी गॉड के बारे में ना सोचें,
हम अपना पूरा अर्चना उसी गॉड के लिए करें तो वो गॉड खुश हो जाता है, और वो गॉड जो है वो आपको गिफ्ट्स भी दे सकता है। गिफ्ट्स मान लीजिए, कई लोग बोलते हैं ना हमें मकान दे दो, हमें दुकान दे दो, हमारे बच्चे का मार्क्स अच्छे करा दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा बोलते हैं लोग अपनी वर्शिप में। तो क्या ये वाकई हमें दे सकते हैं? फ्रेंड्स, आपको गॉड्स दे सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने अलग तरीके से सोचा था पहले, तो आपने अपनी डेस्टिनी अलग तरीके से फॉर्म की हुई है, आपकी डेस्टिनी का वो पार्ट नहीं है, तो गॉड आपको नहीं दे सकता। तो फिर वो क्या कर सकते हैं? जो आपको मिलना ही है वो उसको थोड़ी पहले या थोड़ी बाद में दे सकते हैं। तो ये तो आपको गॉड, जिसको हम बोलते थे ना कि बून ग्रांट कर सकते हैं, जो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं, वो वरदान जो दे सकते हैं, वो आपको कभी भी जो आप रिसीव करने के लिए आपकी थॉट प्रोसेस के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, वो आपको वो नहीं दे सकते। आप कुछ भी मांगे तो वो आपको नहीं मिल जाएगा अगर वो आपकी अलाइनमेंट में ही नहीं है। तो अल्टीमेट चीज़ क्या हो गई यहाँ पे? अल्टीमेट चीज़ हमारी थॉट प्रोसेस हो गई। तो गॉड्स आपको बहुत तरह के गिफ्ट्स देते हैं, इनफैक्ट गॉड्स के पास बहुत एलिमेंटल पावर भी होते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंटल गॉड्स भी होते हैं, तो वो बिजली कड़क सकती है, और जो ज्वालामुखी फट सकते हैं, समुद्र में तूफान आ सकते हैं, ये सब वो गॉड्स कर सकते हैं, और क्योंकि उनके पास एलिमेंटल पावर है। लेकिन पर्सिवल सर एक बहुत खूबसूरत बात बोलते हैं कि जितना भी पावरफुल गॉड हो, इवन द मोस्ट पावरफुल गॉड, वो इंसान से उसकी थॉट पावर चाहता है, इंसान से उसकी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस चाहता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सोचिए कितनी कीमती है ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस जो हमको मिली है। हमको जो लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिली हुई है, ये हमको लोन की तरह मिली हुई है। यूज़ करो और फिर उसके बाद तुम्हें वापस रिटर्न करनी होगी इसको। ये आपको एक लोन की तरह मिली है, तो आपको आप इसको यूज़ करते हैं, और आपके थ्रू नेचर भी आपको मिलता है, गॉड्स गॉडेसेस को भी मिलता है, और हर चीज़ को आपके थ्रू ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिलती है। गॉड्स आपस में भी कभी कभी उनका झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सब आपकी वर्शिप चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं, और आप पर रिस्ट्रिक्शन गॉड्स बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, लेकिन उनको सेक्सुअलिटी के रॉन्ग यूज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसका कारण क्या है फ्रेंड्स? उनको अपने फॉलोअर्स चाहिए इन द लार्जेस्ट नंबर्स, और फॉलोअर्स और वर्शिपर्स और प्योर वर्शिपर्स चाहिए। तो उसके लिए मतलब उनको कंटिन्यूसली चाहिए कि ह्यूमन बींग्स आते रहें आते रहें आते रहें, जो उनको ब्लाइंडली फॉलो करते रहें। इसके लिए अगर आप सिर्फ सेक्सुअलिटी में किसी और कारण से इंडल्ज कर रहे हैं, मतलब आप अगर अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो गॉड्स को अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और आप उन नंबर्स कम कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स के, तो वो उनको नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह से गॉड्स का जो नेचर है वो बेसिकली, मतलब उनके पास कैसा नेचर है फ्रेंड्स, वो वही नेचर है जो हमारा नेचर है। जैसे आप बन जाते हैं वैसे ही आपके गॉड्स बन जाते हैं। गॉड्स का जो फॉर्म है, जो उनकी जो बॉडी है, वो भी समय के साथ चेंज होती है। देखिए, वो बूढ़ी नहीं होगी वो बॉडी, दैट बॉडी विल नेवर एज, वो डिके नहीं होगी वो बॉडी। लेकिन जब आपकी सोच बदल जाती है, तो उस हिसाब से गॉड की भी बॉडी बदल जाती है। फ्रेंड्स, हमारी सोच बहुत पावरफुल है। सोच को आप एक मोल्ड के जैसे समझ लीजिए, जैसे आप बर्फ़ जमाने वाला मोल्ड होता है ना, या आइसक्रीम जमाने वाला मोल्ड होता है, तो जो वो जो थॉट है वो मोल्ड है, तो वही शेप रहेगी, वैसी ही बॉडी रहेगी जैसा थॉट रहा है। सो जब आपके ह्यूमन बीइंग्स के जब थॉट्स जो हैं वो बहुत लड़ाई झगड़ा और सेक्सुअलिटी पे, ग्रीड पे, लस्ट पे रहते हैं, तो उसी तरह से गॉड्स की बॉडी हो जाती है। और जब ह्यूमन बीइंग्स थोड़े काइंडनेस से डील करने लग जाते हैं, हायर वैल्यूज़ से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, कंपैशन, काइंडनेस, शेयरिंग, वननेस, तो गॉड्स भी उसी हिसाब से बदल जाते हैं। तो गॉड्स का जो स्ट्रक्चर है, वो गॉड्स का कुछ भी फिक्स नहीं है, गॉड्स की एग्जिस्टेंस हमारे थ्रू ही आई है। और देखिए, कभी भी जब गॉड्स क्रिएट होते हैं ना, वो कभी एज बेबीज नहीं आते, कभी भी वो हमेशा फुली फॉर्म्ड गॉड्स आते हैं, पूरा रेडी।
और क्यों? क्योंकि वो आपकी थॉट से आए हैं, वो तो वो ना वो छोटे होते हैं ना वो बड़े होते हैं, वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन आपकी थॉट के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप अगर किसी के गॉड, जब हम जब दैत्य जैसा स्वभाव होगा हमारा, तो हमारे गॉड्स के भी वो दैत्य जैसे फीचर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए जब आप बहुत लड़ाई झगड़े वाले आपके रहते हैं विचार, तो आपके गॉड्स भी उतने ही फिरोशियस होंगे, आपके शरीर उनके शरीर में वैसे ही चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर आप उनकी अपियरेंस वैसे ही हो जाएगी। और जब आप प्रेम भाव, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति प्यार रखते हैं, तो वही सॉफ्टनेस आपके गॉड के भी फॉर्म एंड फीचर्स में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत सुंदर बात है कि हमारी थॉट कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब हम अभी तक जानते हैं, मतलब हम जानना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी ये एक वो ताकत है जिसमें अभी तक हमने, जिसको हमने अभी तक हार्नेस करना नहीं शुरू किया। अभी तक हम इस ताकत को पूरी तरह से हम समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से हम इसको अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं कि जो हमारी थॉट्स हैं उसने ही हमारे गॉड्स को क्रिएट किया है। और हमारे जो गॉड्स हैं फ्रेंड्स, कब तक जिंदा रहते हैं गॉड्स? इनकी लाइफ स्पैन क्या रहती है? हजारों लाखों साल तक चाहिए गॉड्स सर्वाइव कर जाएं, लेकिन तब भी ये इमॉर्टल नहीं है, हम हमेशा नहीं होते रहेंगे। देखिए, कई गॉड्स आए, जैसे मैंने आपको जो कुछ गॉड्स के नाम अभी बताए थे पहले, वो गॉड्स का नाम हम भूल भी जाते हैं, कई लोगों को नहीं भी पता होता। जैसे मैंने आपको अभी कुछ गॉड्स के नाम बताए थे, तो वो गॉड्स कई लोग अब नहीं भी जानते इस टाइम में। तो कहाँ गए वो गॉड्स? तभी तक हैं, तभी तक वो गॉड्स हैं जब तक उनकी वर्शिप हो रही है, जब तक उनकी पूजा अर्चना हो रही है, जब तक लोग उनको फॉलो करें। लोगों ने फॉलो करना बंद किया, उन गॉड्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। फ्रेंड्स, आपको रिलीजन्स गॉड्स के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई भी गॉड, ये बात जान लीजिए कि कोई भी गॉड कोई स्टार सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकता, कोई नया प्लैनेट नहीं क्रिएट कर सकता। वो वही कर सकते हैं जो एक ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस जो लोन हुई हुई है उससे ही वो कुछ कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग उससे ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर इनफाइनाइट क्रिएटर्स, हम कितना भी क्रिएट कर सकते हैं, हम क्रिएटर्स हैं। हम अपने क्रिएटरहुड को चाहे रियलाइज करें चाहे ना करें, हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये गॉड्स के पास नहीं है, वो अपने उनका बहुत इंटरेस्ट ह्यूमन अफेयर्स में रहता है। अच्छा, इसकी इससे लड़ाई हो रही है, इसको सॉल्व करना है, अच्छा ये वाला वरदान मांग रहे हैं। गॉड्स का बेसिक कंसर्न ये है कि ह्यूमन बींग्स के अफेयर्स में अगर वो मदद मांग रहे हैं तो उनकी मदद करना। फ्रेंड्स, कई बार गॉड्स लोगों को पनिश भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि जब आपको एक हायर ज्ञान मिल गया, जैसे अब हम जानते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है और हम ट्रायून सेल्फ हैं, हम तीन सेल्फ हैं, तो ये नॉलेज आपको किसी रिलीजन में नहीं मिलती है। ये नॉलेज कोई गॉड आपको नहीं दे सकता उनके पास, क्योंकि वो उनका रेंज के बियॉन्ड है। ट्रायून सेल्फ का नॉलेज और ये सब नॉलेज ये हम एक्वायर कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स एक्वायर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे गॉड्स जो हैं, ये जो हायर नॉलेज हमको मिल रही है फ्रेंड्स इस किताब के ज़रिए, जो हमको हायर नॉलेज मिली है कि हम जो है वो ट्रायून सेल्फ हैं और उससे भी ऊपर हैं। उसके बाद आप और भी ऊपर बनते हैं, ग्रेटर ट्रायून सेल्फ बनते हैं, उसके बाद इंटेलिजेंस भी बन सकते हैं। तो ये एक सफ़र है जिस पर हम निकल चुके हैं, और इस हायर नॉलेज के ज़रिए हमें अपने बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है कि हम अपने जीवन के, अपने देवी देवताओं के खुद निर्माता हैं, हमने खुद उनको क्रिएट किया है। और इसलिए हम अपने आप को ज़्यादा अपनी पावर में आ जाएं, अपने देवत्व को पहचाने। मुझे लगता है हैरल्ड पर्सिवल सर हमको यही बात बता रहे हैं इस बुक में कि जानिए आप कितने ग्रैंड और मैग्निफिसेंट हैं। आप वो बेचारे नहीं हैं कि आप भीख मांग रहे हैं, आपको एक भिखारी के मोल्ड से एक राजा के मोल्ड में बनाने का अटेम्प्ट है। जितने भी ग्रेट मास्टर्स आए हैं, और हैरल्ड पर्सिवल सर इस बुक के ज़रिए हमें यही बता रहे हैं कि अब तुम पति सर बोलते ना, कोई ना दूजा, बाहर कौन है, छोड़ दे पूजा, कोई ना दूजा। वो दूजा कौन है? वो हम ही हैं, हम हमारे अंदर ही है सब कुछ, तो हम बाहर कहाँ जा रहे हैं? जब आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अलाउ भी किया जाता है बाहर जाने के लिए, आपके अंदर एक डिविनिटी है, आप अंदर से जानते हैं कि आप डिवाइन हैं,
लेकिन उस अभी आप इतने अभी आप वो मैच्योरिटी नहीं है कि अपने अंदर उसको ढूंढें, तो आप उसको बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। तो ये एक स्टेज है हमारी ग्रोथ में, तो ये अलाउ किया जाता है कि हाँ ठीक है तुम ये इस स्टेज से भी गुजर लो। फिर अल्टीमेटली हम उस स्टेज से भी थक हार जाते हैं और हमारा मन करता है कि हम खुद के भीतर जाएं, और उस यात्रा पे हम फ्रेंड्स हम सब बहुत ही सुंदर तरीके से हम इस सफ़र पर जुड़ चुके हैं और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको गॉड्स के बारे में और रिलीजन्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली जो आपकी आँखों को खोलेगी, तो जो कि हमारे सिर्फ चर्म चक्षु तो है नहीं फ्रेंड्स, हमारे मनोचक्षु भी हैं, तो हमारे 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 आँखों को खोल देगा ये वाला चैप्टर्स और ये वाली बुक। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट्स से हमारा प्रोत्साहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। लव एंड लाइट।